आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फॉलोइंग एंड ऑप्शन ए दैट इज एनीमिया। तो एनीमिया रिप्रेजेंट करता है लो ब्लड काउंट व्हिच इज मेनली ड्यू टू लो आरबीसी काउंट, बट अदर फैक्टर मे इंक्लूड लो आयरन लेवल दैट इज लो आयरन लेवल या फिर पर्निशियस एनीमिया व्हिच कुड बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी12। तो ये सब रीजन है एनीमिया के। ऑप्शन बी इज एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस रिप्रेजेंट करता है acute pain in the heart region, so acute pain in chest that is known as angina pectoris. Atherosclerosis का मतलब होता है arteries में plaque की formation and उस plaque से फिर arteries के lumen का narrow हो जाना and इस plaque formation का जो main cause होता है that is due to calcium deposition and cholesterol deposition. Cholesterol दो type का होता है and mainly जो LDL that is low density lipoprotein आर्टरीज में प्लाक की फॉर्मेशन करता है, जबकि HDL व्हिच इज गुड कोलेस्ट्रॉल वो इस बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने में हेल्प करता है। हाइपरटेंशन का मतलब होता है इंक्रीज रेट ऑफ ब्लड प्रेशर। इंक्रीज्ड बीपी इज हाइपरटेंशन एंड हाइपरटेंशन की वैल्यू होती है 140/90 mm ऑफ मर्क्यूरी। हार्ट फेलियर का मतलब हार्ट का काम एक ही होता है दैट इज टू पंप ब्लड, और जब हार्ट पूरे टिश्यूज को एफिशियंटली ब्लड पंप करने में सफल नहीं रहता तो दैट इज नोन एज हार्ट फेलियर, यानी कि व्हेन देयर इज नो एफिशिएंट ब्लड फ्लो एंड उसकी वजह से फिर न्यूट्रिएंट एंड फिर ऑक्सीजन की कमी जाती सेल्स में, दिस इज नोन एज हार्ट फेलियर। एफ पार्ट दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। फेटालिस यानी कि रिलेटेड टू फीटस। एरिथ्रो यानी कि रेड ब्लड सेल, ब्लास्टोसिस यानी कि उनका ब्लास्ट होना, दैट इज जब RBCs फीटस के अंदर रप्चर कर जाते हैं, सो रप्चरिंग ऑफ RBCs, और ये RBC फीटस की रप्चर करते हैं ड्यूरिंग द केस व्हेन एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर क्रॉस द प्लेसेंटा। तो ये किस तब होता है जब एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाए। नॉर्मली ऐसा नहीं होता बट प्लेसेंटा को क्रॉस करके वो फीटस तक पहुंच जाती हैं, जिसकी वजह से वो फीटस के अंदर वहाँ जो RBC होंगे उनके साथ कोएगुलेशन रिएक्शन शो करती हैं। एंड ये मेन केस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का तब होता है जब मदर एंड फीटस बोथ ऑफ देम आर RH इनकम्पैटिबल। इफ फादर इज RH पॉजिटिव एंड मदर इज RH नेगेटिव, तो उस केस में भी फर्स्ट प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है, ड्यूरिंग द केस ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी हमें इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।